नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर अच्छी तैयारी करके एक प्रेजेंट लेके आनी है। 2022 का पेपर सॉल्व करने के क्रम में वीडियोस चल रहे हैं तो ये उसका मैं आखिरी वीडियो है। अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से 13 हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन 14वां और 15वां इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है तो पेपर 2022 में आया था, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि इस बुक में है। ये बुक हमारे द्वारा लिखी गई है ऋषभ पब्लिकेशन द्वारा, श्रीमान सुरेश जी राठी HOD सिविल GPC जोधपुर, माई सेल्फ RP व्यास एंड डॉक्टर अमित पुरोहित सीनियर लेक्चरर GPC जोधपुर। बहुत मेहनत से ये किताब लिखी गई है और इसमें एग्जांपल 3 पेज 354 पर ये क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन देखिएगा, ए हॉलो कॉलम इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड कॉलम इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्टिव लेंथ एंड मटेरियल इज सेम और बोथ द कॉलम्स। यानी आपसे ये कहा गया है कि अगर दो कॉलम्स हो, एक तो खोखला और एक सॉलिड यानी कि ठोस, इस प्रकार की उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, इफेक्ट लेंथ सेम हो और मटेरियल सेम हो, हमको प्रूव करना है कि जो खोखला सेक्शन है कॉलम का वो ठोस सेक्शन की तुलना में मजबूत होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रकार के जो कॉलम्स हैं उनके लिए यूलर लोड निकालेंगे, PE फॉर हॉलो एंड PE फॉर सॉलिड, और रेशियो निकालेंगे। वो रेशियो प्रूव करेंगे एक से बड़ा है, और जो रेशियो एक से बड़ा होगा इसका मतलब न्यूमरेटर जो होगा PE हॉलो वो PE सॉलिड से जो कि डिनोमिनेटर मानेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। एनीवेज पहले कुछ बातें मान लीजिए, देखिए हमने स्मॉल डी मान लिया डायमीटर ऑफ द सॉलिड कॉलम, D1 मान लिया एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉलम, D2 मान लिया इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो कॉलम, और ES यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड कॉलम, EH यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर हॉलो कॉलम, IS आई मिनिमम ऑफ सॉलिड कॉलम, IH आई मिनिमम ऑफ हॉलो कॉलम, LS इफेक्टिव लेंथ फॉर सॉलिड कॉलम, LH इफेक्टिव लेंथ ऑफ हॉलो कॉलम, AS एरिया ऑफ सॉलिड कॉलम, AH एरिया ऑफ हॉलो कॉलम, PES यूनिट्स लोड फॉर या बाय सॉलिड कॉलम, PEH यूनिट्स लोड बाय हॉलो कॉलम। ये सॉलिड कॉलम है जिसका डायमीटर हमने डी माना है, हॉलो कॉलम का बाहर का व्यास D1 अंदर का D2, देख नेचुरली D1 D2 से बड़ा होगा। हमने यहाँ क्या है, D1 को K D2 मान लिया, यानी हमने ऐसा माना कि D1 is equal to K times D2 where K is a non-zero constant, और K क्या निकलेगा D1 upon D2 आप अगर निकालेंगे इसके K की वैल्यू D1 upon D2 हमेशा एक से बड़ा होगा क्योंकि D1 D2 से बड़ा है जब बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाते हैं तो वैल्यू एक से बड़ी आती है ना तो K हमने माना हुआ है D1 upon D2 जो हमेशा एक से बड़ा होगा ये आप ध्यान रखें इस चीज को हम काम में लाएंगे। नाउ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ सॉलिड एंड एरिया ऑफ हॉलो आर इक्वल इसका एरिया पाई बाय 4 D स्क्वायर इसका पाई बाय 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर पाई बाय 4 कट जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर D1 को हमने माना हुआ है K D2 तो K D
अब देखिएगा, अब अगर हम पीई हॉलो और पी सॉलिड का रेशियो निकाल दें, अगर वो एक से बड़ा आ जाए तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है। अब देखिएगा, हमने आई निकाला सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 डी फोर, फिर निकालेंगे हॉलो का पाई बाय 64 डी वन फोर माइनस डी टू फोर, पाई बाय 64 कॉमन, डी वन की जगह लिख दिया के डी टू, हमने कहा था ना डी वन को हम कह रहे हैं के डी टू, के डी टू की पावर फोर माइनस डी टू की पावर फोर। अब हमने पाई बाय 64 तो ऑलरेडी कॉमन है ही,
डी टू की पावर फोर भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा के की पावर फोर माइनस वन, ये तो हुआ आई एच, दैट इज आई एच क्या हो जाएगा फाइव बाई सिक्सटी फोर। अब मैं डी टू की पावर फोर को क्या लिख रहा हूँ, डी टू स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझको डी टू स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकलेगी, देखिए क्या निकलेगी, डी टू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। इसलिए मैंने क्या किया, डी टू की पावर जो फोर थी यहाँ पे, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि आपको ध्यान रहे। तो डी टू की पावर फोर को मैंने डी टू स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है। अब मैंने डी टू स्क्वायर को लिखा है यहाँ से, डी टू स्क्वायर को डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस, देखिएगा डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। इसका होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि डी टू स्क्वायर का स्क्वायर है और डी टू स्क्वायर की वैल्यू है डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। नाउ आई एस इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्सटी फोर। अब देखेंगे डी टू स्क्वायर का स्क्वायर, वापस हमने डी फोर लिख दिया, देखिए नहीं डी स्क्वायर का स्क्वायर डी की पावर फोर, और ऊपर है के फोर माइनस वन, नीचे देखिए के स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई डी फोर बटा चौसठ। अब अगर आप देखते हैं फैक्टर्स करते हैं के फोर माइनस वन की, के स्क्वायर माइनस वन इंटू के स्क्वायर प्लस वन, नीचे के स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है, इट मीन्स के स्क्वायर माइनस वन इंटू के स्क्वायर माइनस वन, ये के स्क्वायर माइनस वन कट जाएगा। इट मीन्स आई एस इज इक्वल टू पाई डी फोर बटा चौसठ इंटू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। अब निकालेंगे पी होलो अपॉन पी सॉलिड। पी होलो क्या होता है, यूनो लोड के लिए फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ई एच आई एच एल एच होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई एस आई एस एल एस होल स्क्वायर, एच होलो एस सॉलिड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई एच आई एच अपॉन एल एच होल स्क्वायर। अब देखिए अपॉन है ना, ये अपॉन इसको इंटू कर दिया, इंटू कर दिया, ये स्मॉल एल एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे पाई स्क्वायर ई एस आई एच, दैट इज पी एच अपॉन पी एस बराबर पाई स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर अलग अलग। फिर देखिए ई एच अपॉन ई एस, फिर एल एस स्क्वायर अपॉन एल एच स्क्वायर इंटू आई एच अपॉन आई एस, ये कैंसिल हो गया, ई एच ई एस कैंसिल, एल एस स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ई एच आई एच ई एच जो है ना यंग्स मॉडुलस फॉर होलो एंड ई एस यंग्स मॉडुलस फॉर सॉलिड बराबर है बिकॉज सेम मटेरियल, और एल एस एल एच के बराबर है क्योंकि गिवन है, इट इज गिवन। अब हमारा फाइनल क्या आ गया, पी ई होलो अपॉन पी सॉलिड इक्वल टू आई एच अपॉन आई एस। अब नाउ व्हाट इज आई एच, हियर आई एच पाई डी फोर अपॉन सिक्सटी फोर इंटू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या था सॉलिड के लिए पाई बाय सिक्सटी फोर डी फोर, ये देखिएगा तो पाई बाय सिक्सटी फोर डी फोर कैंसिल हो गया, क्या रहा के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स अगर जानते हैं तो आराम से आप कह सकते हैं ये हमेशा एक से बड़ा ही है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन बिकॉज के एक से बड़ा है, एक से बड़ा आप कुछ भी ले लो, एक पॉइंट एक, एक पॉइंट दो, इवन दो आप सुविधा के लिए एक बार दो ले लो, तो मैंने इसको दो मान लिया कुछ समय के लिए, किसको के को, तो ये के स्क्वायर बोले दो का स्क्वायर चार प्लस एक पांच बटा के स्क्वायर दो का स्क्वायर चार माइनस एक तीन, तो पांच बटा तीन तो एक से बड़ा होता ही है, यानी अगर के एक से बड़ा है तो के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर माइनस वन से बड़ा होगा डेफिनेटली, और ये वैल्यू अगर एक से बड़ी है यानी कि ये रेशियो एक से बड़ा है, और ये रेशियो एक से बड़ा यानी कि ये ऊपर जो इसका ना अंश न्यूमरेटर वो हर यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा, यानी कि पी होलो पी सॉलिड से बड़ा है, ये हमको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पंद्रहवा। तो एक बार और बच्चों को सूचना दे दूं मैं कोचिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज मेरे पास पूरे राजस्थान के बच्चों से आ रहे हैं कोचिंग के लिए, तो ये नॉलेज के लिए वापस से अगर ध्यान नहीं पड़ा तो सी 4001 4002 4003 अगले सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एडवांस सर्विंग और टॉस, इसकी मैं ऑनलाइन कोचिंग दूंगा सिर्फ 1999 रुपए के अंदर, और
अगर किसी के 2001 2005 बैक है तो ये 5 सब्जेक्ट की कोचिंग जो है वो मात्र 2999 रुपये में, कॉम्बो पैक 5 सब्जेक्ट यानी 3000 रुपये में 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पड़ा लगभग 600 रुपये का, कुछ नहीं होता आज के जमाने में। 21 फरवरी से ये कोचिंग शुरू हो रही है ऑनलाइन, ये लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो से मैं पढ़ाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे, समय समय पर एमसीक्यू के बेस पर टेस्ट होंगे, बहुत ज़बरदस्त A+ ग्रेड लाने के लिए आप ये कर सकते हैं। हम जो फीस में पढ़ा रहे हैं उसकी कई गुनी फीस देकर भी आप इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। GPC जोधपुर के और जोधपुर के अन्य बच्चे हमसे ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन की सेवाएं भी ले सकते हैं, पर मेरी ओर से एक ऐसी योजना है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिलाकर है और फीस बहुत कम है। तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं तो 1999 ही फीस है, पर एक्स्ट्रा 1500, 500 रुपये पर सब्जेक्ट। उसमें रोजाना घर पे बैठा के पढ़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर रोजाना घर पे पढ़ना आएगा तो कितना पेट्रोल जलेगा, कितनी थकान होगी, कितनी थकान वाली बातें होंगी। तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन वाली पढ़ाई आप पढ़ेंगे और सप्ताह में एक आध दिन जब बुरा जाए टाइम देके तो उस समय आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। तो बहुत आसान मैंने बना दिया बच्चों के लिए, और 2001 2005 सब्जेक्ट है सेकेंड सेम की, वो रेगुलर बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनके बैक है वो भी पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो 4002 यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल मात्र 999 रुपये में, और अगर ऑफलाइन चाहते हैं साथ में कुछ दिनों के लिए सप्ताह में एक आध दिन तो 1499। आप कहीं भी कोचिंग करेंगे तो जो हम देंगे उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, और हमारी फीस उस फीस से कई गुना कम होगी, यानी कि मिनिमम फीस मैक्सिमम एडवांटेज टू स्टूडेंट्स। एग्जाम के पहले जो 2-4 रातें हैं फुल नाइट आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, हम बिल्कुल घर एकदम घरेलू वातावरण में काम होता है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सोचते हैं कि आप लोगों को अगर कोचिंग करते हैं तो हमारे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अभी चलते हैं, ये कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, ड्राई एसएफडी बीएमडी। तो देखिए, हमने रिएक्शन निकाल ली, कैंटिलीवर बीम में एक ही सपोर्ट होता है फिक्स, कितना लोड है 10 और 10 20, और ये यूडीएल है 5 × 3 = 15 20 15 35 35 की रिएक्शन हो गई। रह गया तो मोमेंट भी निकाल लिया, 10 × 4 + 10 × 1 + 5 × 3 × तो डेड और एक डाई निकाला हमने। ये देखिए मोमेंट एट ए निकाला, और क्लॉक वाइज मोमेंट है ये, अभी हमने कोई साइन नहीं लगाया प्लस माइनस के, हमने क्लॉक वाइज लिख दिया है। ये आएगा 87.5 किलो न्यूटन मीटर, 10 × 4 10 × 1 5 × 3 × 1 + 3/2 1 + 3 का आधा, और ये मोमेंट हुआ है क्लॉक वाइज, तो रेजिस्टिंग मोमेंट हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिएगा हमारे ये साइन कन्वेंशन है, राइट में नीचे लेफ्ट में ऊपर प्लस, शीर्ष के लिए, और राइट में ऊपर लेफ्ट नीचे माइनस, शीर्ष की बात चल रही है। बेंडिंग मोमेंट के लिए राइट में एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट में क्लॉक वाइज प्लस, और राइट में क्लॉक वाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज माइनस। तो आप देखेंगे हमने सारी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये शीयर फोर्स के लिए है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए है सारे, और हमने इसको चेक भी किया जगह जगह पे, जैसे MB फ्री हैंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, राइट से जीरो क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई लोड ही नहीं है, हमने लेफ्ट से निकाला वो भी जीरो आ गया, उसमें ये फिक्स एंड मोमेंट काम आएगा। ये देखिएगा लेफ्ट निकलेंगे ना MB, तो ये फिक्स एंड मोमेंट था, ये रिएक्शन थी, ये लोड का मोमेंट लिया सब किया, तो ये जीरो आ गया। इस तरह से हमने MC निकाला, उसको चेक भी किया, और MA तो हमने पहले से निकाल चुके थे, माइनस क्यों लगाया, एज पर साइन कन्वेंशन राइट में क्लॉक वाइज माइनस होता है। सिर्फ आप देख ही रहे सारा, ये बी पे 0 से 10 हो गया, फिर आप देख लें यहाँ पे UDL है, यहाँ यूनिफॉर्मली वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से,
यहाँ दस है ना, ये दस प्लस, फिर ये पांच थी 15 और 10 25 थी 25, ये स्ट्रेट लाइन चलेगी जो यूडीएल है, फिर एकदम से 10 और जुड़ जाएगा 35 हो जाएगा, फिर कोई लोड नहीं कांस्टेंट, और वापस से रिएक्शन आती है, जीरो से शुरू किया और जीरो पे खत्म हो गया। नाउ ये डायग्राम बना के ये है, अब जिस पोर्शन में इंक्लाइन लाइन आती है इंक्लाइंड, उस पोर्शन में कर्व होगा, और जिस पोर्शन में लाइन हॉरिजॉन्टल है उसके अंदर इंक्लाइंड होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से आपको मैंने समझने की कोशिश की है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैंने ये 2022 का पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है, और आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करने का काम करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।